जिसकी वजह से पिछले 5,000 साल में काबे अखबार की शख्सियत मुअर्रिखीन की नजर में मुतनाज़ा की बन गई। इसलिए कि इमाम ज़ाहिद अल-कौसरी ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल की साजिश में कुछ तारीखी रिवायात की बुनियाद पर उन्हें मुलव्वस पाया। मुतकद्दिमीन ने अगर से उन्हें सिका करार दिया है, मगर शेख की तहकीक के बाद तयकुन के साथ कोई बात नहीं कही जा सकती। अलबत्ता ये बात मुसलम है कि उनसे मनकूल बेशतर रिवायात इसराइली रिवायात, लिहाजा जब तक खारजी दलाइल से उसकी तस्दीक न हो जाए उन रिवायात पर भरोसा और एतमाद नहीं किया जा सकता। तो ये काबे अखबार है जिनके सिलसिले में आमतौर पर इसराइली रिवायात कुतुब में मनकूल है, वो इन्हीं की तरफ मंसूब है। कुतुब तफसीर में अगर के इसराइली रिवायात पाई जाती है, मगर ऐसा नहीं है कि तफसीर की तमाम किताबों में इसराइली रिवायात। तफसीर की बहुत सारी किताबें ऐसी है जिसमें इसराइली रिवायात का कोई जिक्र नहीं, जैसे तफसीर इब्ने कसीर वगैरह, और बाद तफसीरों में इसराइली रिवायात अगरचे मजकूर है, मगर बाद में आने वाले मुहक्किकीन ने जब तकरीर की तो उन्होंने इन रिवायात पर हुक्म लगा दिया कि इसराइली इन रिवायात का हुक्म क्या है और किस हद तक ये मुआतबर है और किस हद तक ये मुआतबर नहीं है। इसलिए इसराइली रिवायात को जब भी तफसीर के बाब में तहरीर या तकरीर में बयान किया जाए तो किसी मुहक्किक की तहकीक के साथ बयान किया जाए कि उसने उन रिवायात पर क्या हुक्म लगाया। अगर उन्होंने उन रिवायात को खारजी दलाइल से मुकारना कर नाकाबिल एतबार करार दिया है तो ऐसी रिवायतों को तकरीर, तहरीर, तफसीर और दर्स में बयान करने से इज्तिनाब किया जाए, और अगर ऐसी रिवायतें हैं जिनको खारजी दलाइल से मुतबर करार दिया है तो इस सूरत में उन्हें बयान करने में कोई तामूल नहीं होना चाहिए। बहरहाल हमारे उलमा ने कोई बाब ऐसा नहीं छोड़ा है जो किशना, हर बाब में तहकीक का हक अदा कर दिया है। इसलिए हमारे लिए कोई इतनी परेशानी की बात है नहीं, मगर फिर भी जब भी काबे अखबार से के हवाले से कोई बात बयान की जाए तो आंख बंद कर उसकी तस्दीक नहीं करनी चाहिए।
हो सके तो उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए कि काब अहबार की ये बात किस दर्जे सही है और किस दर्जे सही नहीं है, ताकि मौजू मनगढ़ंत और गैर मुआतबर रिवायतों को बयान करने से आदमी इज्तिनाब कर सके। दूसरी शख्सियत वहब इब्ने मुनब्बह, इनसे भी बकसर इसराइली रिवायात मनकूल है। ये यमन के इलाके सनआ के रहने वाले थे। ये फारसी उल असल थे। हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में पैदा हुए। अलबत्ता इनके वालिद मुनब्बह ये सहाबी है। वहब इब्ने मुनब्बह ये बहुत बड़े अपने जमाने के आबिद और जाहिद ताबिई गुजरे हैं। इन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हजरत जाबिर वगैरह की तवील सोहबत हासिल की और उनसे रिवायतें नकल की। इनके पास अहले किताब के रिवायात का बड़ा वसीर इल्म था। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में मनकूल है कि आप अपने आप को हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम और हजरत काब अहबार के उलूम का जामع तसव्वुर करते थे। आप अपने आप को हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम और काब अहबार के उलूम का जामع तसव्वुर करते थे। तबकात इब्ने सअद में साहिब तबकात ने लिखा है कि अहादीसुल अंबिया के नाम से आपने किताब भी तालीफ की। अहादीसुल अंबिया के नाम से आपने किताब की तालीफ की। जो बड़े मुहर्रिक गुजरे हैं लिखा है कि आपकी एक और किताब थी जिसका नाम था अल मबदा। और दिगर मुहद्दिसीन ने भी आपकी मुतअद्दद किताबों का जिक्र किया। सिद्क और अमानत के ताल्लुक से हजरात मुहद्दिसीन ने इत्मीनान का इजहार किया। वहब इब्ने मुनब्बह के सिद्क और अमानत के ताल्लुक से हजरात मुहद्दिसीन और अइम्मे जर्ह व तादील ने इत्मीनान का इजहार किया है। ज़हबी फरमाते हैं वो सेका और सच्चे थे और इसराइली किताबों से बकसरत नकल करते थे।
امام ابو زرعہ رازی اور امام نسائی نے بھی آپ کو صفہ قرار دیا ہے. امام عجلی نے کہا وہب ثقۃ تابعی. کے بعد محدثین نے آپ کی تصدیق کی ہے, البتہ امام عمر بن علی الفلاس نے آپ کو ضعیف قرار دیا. امام عمر بن علی الفلاس نے آپ کو ضعیف قرار دیا. لیکن فرماتے ہیں کہ ان کے صدق و امانت میں انہیں شبہ نہیں تھا. البتہ ابتدائی دور میں عام فرقہ قدریہ کے عقائد کی طرف مائل تھے, لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہب نے بعد میں اپنے اس غلط عقیدے سے رجوع کر لیا تھا. صاف واضح ہوتا ہے کہ علم جرح و تعدیل نے آپ کی امانت دیانت اور سچائی پر کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا. اسی لیے صحیحین میں آپ کی روایات موجود ہیں. لہذا جن روایات کو وہب ابن منبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں, اگر ان کی سند اصول حدیث کے شرائط پر پوری اترتی ہو تو ان کو بلا شبہ قبول کیا جائے گا. البتہ ماضی کے جو قصے اور زمان آئندہ کی جو خبریں انہوں نے بغیر حوالے کے بیان کی وہ زیادہ تر اسرائیلی روایات ہیں. جن کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ لا نصدقها ولا نكذبها, کہ نہ ہم اس کی تصدیق کریں نہ ہم اس کی تکذیب کریں. تو یہ وہ دو صحابی ہیں جن دو حضرات ہیں جن کو تابعین کا جن کا شمار حضرات تابعین میں ہوتا ہے. ان سے بکثرت اسرائیلی روایات مروی ہے, اس وجہ سے ان کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی گئی. حضرات صحابہ میں بھی ایک صحابی ایسے تھے جو اسرائیلی روایات ان کی طرف بھی بکثرت منسوب ہے, وہ ہے حضرت عبداللہ بن عمرو. اس لیے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے سریانی زبان سیکھ رکھی, اور غزوہ یرموک کے موقع پر بڑی تعداد میں سریانی زبان کی لکھی ہوئی کتابیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے ہاتھ لگ گئی. طبقات ابن سعد کے مطابق دو اونٹوں پر لاد کر وہ اسے اپنے ساتھ مدینہ لے آئے. تو ان کے روایات کے سلسلے میں بھی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हुए जिन रिवायतों को बयान करते हैं उनका एतबार होगा, और जिन इसराइली रिवायात को आप बयान करते हैं तो उनके सिलसिले में भी यही कहा जाएगा ला नुसद्दिकुहा वला नुकद्दिबुहा, कि ना हम उसकी तस्दीक करेंगे और ना हम उसकी तकदीब करेंगे। बहरहाल ये तीन शख्सियतें इसराइली रिवायात के बाद में बहुत ज्यादा मशहूर थी, लिहाजा इस बिना पर इनके सिलसिले में वजाहत कर दी गई। तफसीर का दूसरा नाकाबिले एतबार माखज हजरत सूफिया ए किराम की तफसीर है। हजरत सूफिया ए किराम कुरान करीम की आयात के तहत कुछ ऐसी बातें बयान करते हैं जो आयत के जाहिरी और मासूर माने के खिलाफ होती है, जो आयत के जाहिरी और मासूर और मनकूल माने के खिलाफ होती है। मसलन आयत करीमा قاتلوا الذين يلونكم من الكفار, तो इसके तहत सूफिया से ये तफसीर मरवी है قاتلوا النفس فإنها تلي الإنسان। अब जाहिर सी बात है कि जाहिरी और मासूर माने के बिल्कुल बरखिलाफ। जाहिरी माना क्या है? तैताल करो उन काफिरों से जो तुमसे मुत्तसिल है। तो जो कातिल मुसलमानों से करीब रहकर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के दर पर हो, ऐसे कातिलों से तैताल करने का हुक्म दिया। बाज़े सूफिया ने उसकी तफसीर यह कर डाली कि यहां पर अल्लज़ीन यदूनकुम से नफ्स मुराद, इसलिए कि नफ्स इंसान के सबसे ज्यादा करीब है। तो इसे कुरान की मुअतबर तफसीर करार नहीं दिया जा सकता। हजरात सूफिया अपने बातिनी कैफियत की वजह से कभी ऐसा कोई नुकता बयान कर देते, उनका मकसद भी तफसीर नहीं होता बल्कि एक और माना जो उनके जहन में आया वो बयान करना होता, लिहाजा इसे तफसीर तसव्वुर न किया जाए। क्योंकि तफसीर तो वही माना होगा जो मनकूल और मासूर है। खुलासे कलाम ये कि हजरत सूफिया के अकवाल को आंख बंद कर कुरान करीम की तफसीर का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हजरत सूफिया के अकवाल को आंख बंद कर तफसीर का दर्जा नहीं दिया जा सकता। माजी करीम के मारूफ मुफस्सिर अल्लामा महमूद अल आरूसी उनकी तफसीर में हजरत सूफिया के इस किस्म के विजदानी इस्तिंबातात बकसरत मिलते। तफसीर आरूसी में हजरत सूफिया के इस किस्म के विजदानी इस्तिंबातात बकसरत मिलते।
अलबत्ता खुद इमाम आलूसी ने उसकी वजाहत की है अपने मुकदमे में कि कुरान करीम में सादात सूफिया से जो कलाम मनकूल है वो तो हकीकत उद्दती उमूर की तरफ इशारे होते हैं जो अरबाब सुलूक पर मुनकशिक होते हैं। इन इशारात में और कुरान करीम के जाहिरी मफहूम में जो हकीकतन मुराद होता है तब तत्बीक मुमकिन है, इसलिए कि सूफिया का यह एतकाद नहीं होता कि जाहिरी मफहूम मुराद नहीं और बातिनी मफहूम मुराद है। हजरत सूफिया ये बात बयान जरूर करते हैं मगर वो ये नहीं कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही है, और नहीं वो कहते हैं कि सही असल तो वही माना है लेकिन एक दकीक ये माना भी निकल सकता है, तो एक तौजीह होती है उनकी तरफ से, उसके ऊपर उन्हें इसरार नहीं। वो कहते हैं जाहिरी माने को ही मुराद लिया जाए, अलबत्ता थोड़ा और गौर किया जाए तो ये एक माने का भी इम्कान है। तो हजरत सूफिया खुद इस बात को बयान करते हैं कि वो जाहिरी तफसीर के तर्क करने का कायल नहीं, इसलिए कि ये तो बातिनी मुल्हिदों का एतकाद है जिसे उन्होंने शरीयत की बिल्कुली या नफी का जीना बनाया। तारीख इस्लाम में हम लोग बहुत पीछे आए, हम लोग जब तक आए वहां तक बहुत कुछ हो गए, यानी सब कुछ हो गए। इमाम आलूसी को इसकी वजाहत क्यों करनी पड़ी? इसलिए कि हजरत सूफिया के अकवाल के सिलसिले में तीन किस्म के लोग हैं। एक तरफ है गैर मुकल्लिदीन, अब आप कहें इनको जब भी हो पकड़ के लाते हैं, लाना पड़ता है। और दूसरे हैं हजरत सूफिया से जरूरत से ज्यादा एतकाद करने वाले, और तीसरे हैं मुअतज़िली। जो लोग गैर मुकल्लिद है वो ये कहते हैं कि इस किस्म की किसी तफसीर का कोई जर्रा बराबर भी एतबार नहीं। तो सही बात ये है कि हजरत सूफिया खुद इसको तफसीर नहीं कहते हैं, एक नुकता और तौजीह के तौर पर बयान करते हैं। और कुरान करीम इसके हकायक और दकायक ये कयामत का खत्म होने वाले नहीं, लिहाजा अगर वो एक मजीद माना भी हासिल हो जाए तो कोई हरज नहीं, अगर वो मुतसादिम नहीं है जाहिरी माने से। और दूसरी तरफ आज भी हमारे बरेली हजरात है और जो लोग तसव्वुफ को जरूरत से ज्यादा मानते हैं तो वो लोग सूफिया की इन बातों को जाहिरी तफासीर पर मुकदम रखते हैं, ये भी गलत। तो ये दोनों इफरात और तफरीत का शिकार, एक सिरे से इनकार करता है और एक जरूरत से ज्यादा अहमियत देता है। तो इसका सही रवैया ये है कि जो उसकी जाहिरी तफसीर है उस तफसीर को बरकरार रखते हुए उनके इन अकवाम और उनके इन निकात को जरूरत पड़ने पर बयान भी किया जा सकता है और लोगों को समझाने के लिए उसे लोगों के सामने जिक्र भी किया जा सकता है। यह है मुअतदी मसला। तो हजरत क्यों, असल में तारीख इस्लाम में फिरका उजरा, उस फिरके को कहा जाता है फिरके बातिनिया। ये फिरके बातिनिया इमाम गजाली के जमाने में गुजरा। ये फिरका क्या था? ये फिरका इमाम गजाली के दौर में उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुआ। जैसे किसी जमाने में खवारिज, किसी जमाने में रवाफिज, किसी जमाने में मुअतज़िला, तो किसी जमाने में बातिनिया, ये भी बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुई।
ये जो बातिनी फिरका था ये क्या करता था, इनका ये एतकाद था कि कुरान की तफसीर की जाए तो एक उसकी जाहिरी तफसीर होती है और एक उसकी बातिनी तफसीर होती है, और फिर बातिनी तफसीर में अपनी मनमानी करते थे और कहीं पर कुछ भी मुरादे थे और कहते थे जाहिरी मुराद नहीं बल्कि असल मुराद यही बातिनी। तो जाहिरी को तर्क कर बातिनी तफसीर के जरिए से मसलक के सही उसूल सही हा और एतकाद सही से लोगों को गुमराह किया जाता। इसीलिए इमाम गजाली ने सबसे ज्यादा दो जमातों पर रद्द किया, एक तो फलासफा पर रद्द किया, तहाफतुल फलासफा के नाम से किताब लिखकर, और दूसरा बातिनिया पर आपने मुतअद्दद किताबें लिखी जिसमें फिरक बातिनिया की तमाम के तमाम गुमराहियों को आपने जिक्र किया है। तो यहां पर इसीलिए इस बात की वजाहत की जा रही है कि हम बातिनिया की तरह ऐसा नहीं कहते हैं कि हजरत सूफिया जो बात बयान करें वो बात 100% सही है, वो एक इम्कान के दर्जे पर, उसको तफसीर का दर्जा न दिया जाए। तफसीर तो जो उसके मुअतबर मसादिर और माखिज से होगी वही मुराद ली जाएगी, सिर्फ ये एक मानए जाहिर के तौर पर उसे माना जा सकता है, उसके अलावा और दूसरी कोई उसकी हैसियत नहीं। इसीलिए हमारे उलमा ने लिखा है कि हजरत सूफिया के अकवाल के सिलसिले में चंद बातों का लिहाज रखना जरूरी है। जो ये जब भी हजरत सूफिया की किसी बात को आप तफसीर की किताब में पढ़े तो चंद उमूर का लिहाज रखे। नंबर एक, हजरत सूफिया के अकवाल को तफसीर का दर्जा न ले। कुरान की असल मुराद वही है जो तफसीर के असल माखिज से समझ में आती है, बल्कि यह एतकाद रखे कि कुरान की असल मुराद वही है जो तफसीर के असल और मुअतबर माखिज से समझ में आती है। नंबर दो, इस किस्म के अकवाल में भी सिर्फ उन अकवाल को दुरुस्त समझा जा सकता है, इस किस्म के अकवाल में भी सिर्फ उन अकवाल को दुरुस्त समझा जा सकता है जिनसे कुरान करीम की किसी आयत के जाहिरी मफहूम या शरीयत के किसी मुसल्लमा उसूल की नफी न होती हो, जिनसे कुरान करीम की किसी आयत के जाहिरी मफहूम या शरीयत के किसी मुसल्लमा उसूल की नफी न होती हो। अगर उसूल मुसल्लमा की खिलाफ वर्जी हो तो इस तरह की तफसीर सरीह इल्हाद है, तो इस तरह की तफसीर सरीह इल्हाद है। नंबर तीन, इस किस्म के विजदानियात सिर्फ उस वक्त मुआतबर हो सकते हैं जब वो कुरान करीम की तहरीर की हद तक न पहुंचते हो। इस किस्म के विजदानियात सिर्फ उस वक्त मुअतबर हो सकते हैं जब वो कुरान करीम की तहरीर की हद तक न पहुंचते हो।
حضرت صوفیہ کے اقوال میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ اقوال تحریف قرآن یا اس کے معنی کی تحریف تک لے جاتے ہیں. اگر اسے اس کے ظاہری معنی میں تحریف لازم آئے تو اس صورت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں. نمبر چار، قدیم زمانے میں ملحدوں کا ایک فرقہ باطنیہ کے نام سے گزرا. جس کا یہ دعویٰ اور اعتقاد تھا کہ قرآن کریم سے ظاہری طور پر جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ کی مراد نہیں. جن کا یہ دعویٰ اور اعتقاد تھا کہ قرآن کریم سے ظاہری طور پر جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ کی مراد نہیں بلکہ ہر لفظ سے ایک باطنی مفہوم کی طرف اشارہ ہے اور وہی قرآن کی اصل تفسیر ہے. یہ اعتقاد باجماع امت کفر اور الحاد ہے. اس طرح کا اعتقاد باجماع امت کفر اور الحاد ہے. لہذا حضرت صوفیہ کے کسی قول کے بارے میں اس قسم کا اعتقاد ہرگز نہ رکھا جائے. تو یہ ہے دوسرا مقصد غیر معتبر مقصد کے اوپر گفتگو کہ قرآن کریم کا جو دوسرا مقصد ہے حضرات صوفیہ کے اقوال ان اقوال کو ان چار امور کی رعایت کرتے ہوئے بیان کیا جا سکتا ہے، تحریر میں لایا جا سکتا ہے اور ذکر کیا جا سکتا ہے. نمبر تین، تفسیر بالرائے. قرآن کریم کی تفسیر کے ناقابل اعتبار مآخذ میں تیسرا مآخذ ہے تفسیر بالرائے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تکلم فی القرآن برأیہ فأصاب فقد أخطأ. من تکلم فی القرآن برأیہ فأصاب فقد أخطأ. جو شخص قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات بیان کرے اگرچہ وہ بات صحیح ہو پھر بھی غلط ہے، اگرچہ وہ بات صحیح ہو پھر بھی غلط ہے. علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض غلو پسند لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب سمجھا کہ قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات فکر اور رائے کی بنیاد پر کہنا جائز نہیں. علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض غلو پسند لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب سمجھا کہ قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات فکر اور رائے کی بنیاد پر کہنا جائز نہیں.
یہاں تک کہ اجتہاد کے ذریعے قرآن کریم سے ایسے معانی بھی مستنبط نہیں کیے جا سکتے جو اصول شرعیہ کے مطابق ہو. یہاں تک کہ اجتہاد کے ذریعے قرآن کریم سے ایسے معانی بھی مستنبط نہیں کیے جا سکتے جو اصول شرعیہ کے مطابق ہو. لیکن یہ خیال ہرگز درست نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے جا بجا تفکر، تدبر اور استنباط کی دعوت دی ہے اور اسے مستحسن قرار دیا. اس لیے کہ قرآن کریم نے جا بجا تفکر، تدبر اور استنباط کی دعوت دی اور اسے مستحسن قرار دیا. لہذا اس حدیث کا مطلب ہر قسم کی رائے پر پابندی لگانا نہیں ہے. اس کا اصل منشا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جو اصول اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہے انہیں نظر انداز کر کے جو تفسیر محض رائے کی بنیاد پر کی جائے گی وہ ناجائز. تو یہ قرآن کریم کی تفسیر میں تفسیر بھی رائے کا رتبہ اور مقام کیا ہے. تو اس سلسلے میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم کی تفسیر بھی رائے نہ تو اسے مطلق جائز کہا گیا اور نہ ہی اسے مطلق ناجائز کہا گیا. قرآن کریم پر تفکر اور تدبر کی دعوت خود قرآن کریم نے دی. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ایسی دسیوں آیت ہیں. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ تفسیر کی رائے کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں تو اس صورت میں اس قسم کی آیت کی آپ کیا تفسیر کریں گے کہ بھائی جو قرآن نے بیان کیا وہ، جو حدیث اور صحابہ اور تابعین نے بیان کیا وہ، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پر تفکر اور تدبر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں تو ہر زمانے میں پیش آنے والے مسائل جدیدہ کو حل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. کہ کیسے کہا، کیونکہ استنباط نہیں کر سکتے، کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. تو آپ پھر کیسے کہیں گے کہ مسائل جدیدہ اور نوازل فقہیہ کا استخراج اور استنباط کیسے ہوگا؟ لہذا اس بنا پر ہمارے علماء نے لکھا کہ رائے سے قرآن کی تفسیر کی جا سکتی ہے، مگر علماء نے اس تفسیر کے لیے اجماعی طور پر جو اصول کتاب و سنت کی روشنی میں مدون کیے ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے. کتاب و سنت، اب وہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی علماء کہاں سے، ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی؟ اس لیے میں نے کیا کہا کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر تفسیر برائے کی کہاں تک کے گنجائش ہے، اس کے جو اصول علماء نے بیان کیے ہیں ان اصول کو پیش نظر رکھ کر اگر تفسیر کی جائے فلا بأس ولا حرج، تو اس صورت میں کوئی حرج ہے نہیں.
قرآن کی تفسیر بھی رائے میں گمراہی کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہے, اور عصر حاضر میں قرآن کریم کی تفسیر کے باب میں کس طرح کی گمراہیاں ہیں, اب آئندہ ہم اس پر کیا کریں گے گفتگو کریں گے, جو انتہائی نازک اور ضروری موضوع ہے جسے ہمیں خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے تاکہ ہم تفسیر کے باب میں ہر قسم کی گمراہی سے خود اپنے آپ کو بھی بچائیں اور امت کے دوسرے افراد کو بھی بچانے کی کیا کریں کوشش کریں.